आसा महला पंजवा पंच पदा दे थले छोटा जिहा एका लग्या होया। इहदा मतलब इह पंच पदे दा इक्को ही शब्द है बस। आसा महला पंजवा पंजवें पातशाह फरमाउंदे आसा राग दे विच। सो जमदे रस्ते विच संत जांदे हन के नहीं उत्तर दिंदिया फरमाउंदे ने, जे पैंड लूटी पनहारी सो मार्ग संतन दूरारी। जिस जम रस्ते विच पदार्थ सकाम रूप कर्मा रूपी जल दे भरन वाली जीव रूपी स्त्री लुटी जांदी है, सो मार्ग जिहड़ा ना उस जम रस्ता जिहड़ा संतां तों दूर ही रह जांदा। जिस रस्ते उत्ते पदार्थां जां सकाम कर्म रूपी जल दे भरन वाली जीव रूपी स्त्री लुटी जांदी है, लुटी आ जांदी है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाते लुटै। जदों इत्थों जीव पुन करके बहुत पुन्ना दीआं पंडां भावें बन के लै जावे, रस्ते दे जदों उहनूं प्यास लगदी, कहिंदे पाणी दी प्यास, पाणी दे बदले जमदूत इक पुन छड़ा लैंदे ने, रोटी दे बदले फिर इक पुन छड़ा लैंदे ने। वह जदों तक उत्थे पहुंचदा उदों तक किन्ने ही पुन्ने दे खत्म हो जाते हैं। कहने पर नाम जपण वाले नूं इह जिहड़ा रस्ता दूर ही है। नाम जपण वाले नूं राह च नहीं कोई लुट सकता, नाम जपण वाले नूं सब कुछ मिल जाता। सतगुर पूरा साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बीथी जमका मार्ग दूर रहया रहाओ। पूरे सतगुरु ने सच कहा कि परमेश्वर जेड़े इंसान तेरे नाम की बीथी हुंदी गली विच वड़िया जेड़ा भी वह मुक्त हो गया, उस पासों जमा दा राह दूर रहा रहाओ। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, जय लालच जा जाती घाट दूर रहे ओ जानते बाट। सो जिस घाट तो पाव है तरनी नदी उत्ते जम रूपी जागाती मसूली है बड़े लालची ने, वह वैतरनी नदी की बाट गुरमुख जना तो दूर ही रही है। जह आवटे बहुत कन साथ पार ब्रह्म के संगी साध। सो जिस जम रस्ते विच बहुते काम कर्मां दे करन वाले पुरश कन साथ कन हुंदे ने, बहुते साथां दे साथ ही आवटे आवटे हुंदे तपाए जांदे दुखी कीते जांदे आ। सो आवटन आपे खवै दुध को खपणा दे, पानी सो दुध उबालदे आ, दुध नूं जिहड़े उबाले जे आउंदे ने इहनूं आवटन भी कहिंदे ने। इस प्रकार कहिंदे इन्हां नूं चंगी तरह उत्थे तपाया जांदा बंदिआं नूं। सो लुट्टी दे हन ओह रस्ते च गुरमुख नहीं जांदे क्योंकि साध हुंदा श्रेष्ठ। सो श्रेष्ठ गुरमुख पारब्रह्म दे संगी होण करके उस रस्ते उत्ते लिजाए नहीं जांदे। इह शरीर दे छड्डण तों बाद परलोक दीआं गल्लां नूं मनुख नहीं जाण सकदा, सतगुरू दसदे ने, क्योंकि सतगुरू लोक परलोक दे मालक ने। चित्र गुप्त सब लिखते लेखा भगत जना कौ दिष्ट न पेखा। जेडे चित्रगुप्त सारे जीवां दा लेखा लिखते हैं वह परमेश्वर के भगत जिन्हां नूं दृष्टि भर के देखते तक नहीं, उदा नहीं कहिंदे जाना उन्हां दा लेखा लिखना ही नहीं असीं, क्योंकि वह नाम जपते ने। नाम जपण वाले का कहदा लेखा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा वाजै ताकै अनहद तूरा। महाराज कथन करदे ने जिहनूं पूरा सतगुरु मिलिया ना उसदे अनहद हुंदा इक रस जस रूपी तूरा जिहड़े आ वह वाजे वजे ने, जस हो गया दुनिया च दस फैल गया। आसा महला पंजवा दो पदा एक, इत्थे दो पदा पहला नहीं कहना क्योंकि पाठ कई गलत कह, दो पदा एक यह पहला आया सी पंच पदे दे थले छोटा जिहा एका लग्या होया सी, उहदा मतलब सी एक शब्द आऊगा। दो पदा दे सामने ही वड्डा एका लाया दो पदा एक, यह दो पदे का एक शब्द दो पौड़ियां दा होवेगा। महाराज फरमाउंदे हन, साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। जिस वेले संतां दे संग ने मैनूं नाम जपना सिखाया तां मन दे सारे संकल्प पूर्ण हो के दुनिया दे सारे कम मेरे पूरे हो गए। जिन्हां कम्मां लई लोक भज्जे फिरदे ने कोई टिक के नहीं बह सकदा दो मिंट भी, ओह मेरा कम रह गया, ओह मेरा कम रह गया, गुरमुखां दे ओह कम बैठे ही हो जांदे ने। क्यों? नाम ने वो सारे काम बैठी बनाते, फिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने, जप जप जीवा सारिंग पाने। तृष्णा रूबी हुण मेरी अग भी बुझ गई है, इन्नी ज्यादा हुण लालसा लिपसा नहीं भी ओ खा लवा ओ लै लवा ओ नहीं मिलिया, टेक के बैठे आराम नाल, जिन्नी क लोड़ आ उन्ना क कमाया। जिहड़ा एवें वाधू कमा कमा जमा करी जाना उहदा लाभ नहीं है। अते हरी जस करके मैं तृप्त हो गया, मेरा अंदर वैसे ही शांत हो गया।
सारिंग पाने हुंदा परमेश्वर दे जप नूं जप के मैं जिउंदा भाई। करन करावन सरन भरिया, जिस वेले करन कराउण वाले वाहिगुरु दी मैं शरण विच जाके पै गया लम्मा, बेनती कीती डंडौत बंदने अनकबार सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। गुरप्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ। तां गुरां दी कृपा नाल शांति घर नूं प्राप्त कर लिया। कहिंदे शांति घर किवें आया? सहज घर, सहज घर मतलब शांति दा घर। ज्ञान रूप चंद्रमा दे चढ़न करके अज्ञान रूप नेरा मेरा मिट गया, मिटिया अंधेरा अज्ञान दा, ते चंद चढ़िया किहड़ा ज्ञान दा। फिर सूरज क्यों नहीं कहा? इन सूरज तपश हुंदी तां प्रमाण नहीं दिता। चंद्रमा शांत हुंदा इस करके विश्राम दे के फरमाउंदे ने 394 अंग ते, लाल जवेहर भरे पंडार तोट न आवै जप निरंकार। लाल हुंदा प्रेम ते जवेहर हुंदा ज्ञान। ये प्रेम ते ज्ञान आदिक शुभ गुणा दे जिहड़े भंडार है ना, अंतःकरण विच भरे पए ने हिरदे दे अंदर। इस प्रकार तोट न आवै जप निरंकार, निरंकार दे जपण करके किसी वस्तु का घाटा नहीं आउंदा। अमृत शब्द पीवै जन कोए, नानक ताकी परमगत होए। जेड़ा कोई इंसान गुरां दे उपदेश द्वारा नाम अमृत नूं पींदा, महाराज कथन करदे ने, वह पुरश की परमगत होंगी, कैवल मुक्ति मिलती। मुक्तियां वैसे चार ने, पर चारां नालों भी श्रोमणी मुक्ति कैवल मुक्ति वह होंगी, जिवें पानी संग पानी मिल जाता है। क्यों? जीव परमात्मा विच लीन होकर सदीव काल ही चलिया जाता परमात्मा दे विच ही। आसा कर सतवां महला पंजवा, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। कहने हे हरि, आप दा नाम है नितरपति हृदय ते आउणा जी, अते अपने नाल दे सारिआं साथियां नूं वितारना। जो मेरे संगी हन अगों उन्हां दे साथी ने, उन्हां सारिआं नूं वितारना, क्योंकि नाम जपण करके कुलां दा ही उधार हो जांदा संगियां साथियां दा। क्यों प्रतीत मंच करना है? गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले रहाओ। गुरु रामदास जी महाराज मेरे अंग संग ने, हमेशा ही नाल होके सहायता करते ने। फिर उन्हां श्री गुरु रामदास साहिब महाराज नूं मन द्वारे सिमर के, बाणी द्वारा सिमर के, तन करके मैं संभालदा याद करदा। विश्राम दे के कहिंदे ने, तेरा की आ मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आप जी का हुक्म किया हो, मैनू मिठा लग रहा है। महाराज कथन करते, मैं दास केवल नाम पदार्थ ही मंगदा, मैनू नाम दी समझ है। जिवें आम बंदे नू माया दी समझ है कि रुपये खुले होण बस, कहिंदे बाकी सब कुछ आपे खरीद लूंगा। रुपया नाल दुनिया च बंदा सब चीजा खरीद सकदा, उहनू पता कि जे करोड़ा रुपये होण मैं सब कुछ खरीद लूंगा। पर जिहनू नाम दी समझ पै जावे, उन्हों फिर पता लग जाता कि रुपया नाल सारिया चीजा नहीं खरीद सकते। स्वास कितों खरीदने? रुपये तो बथेरे लोगों को, बीमारी नहीं हटती। नाम बीमारी भी हटा दिता, नाम स्वास भी होर वधा सकता, उम्र भी वधा दिता। नाम ने तो बहुत कुछ यह जहा देना, रुपया ने नहीं देना। शांति कि रुपया च है, शांति नाम विच है। करोड़ा अरबा डालर आए जो तड़फते फिरते हैं, पर जिहड़े गरीब को नाम है वह ऐन ठंडा ठार होकर बैठा। इस करके नाम पैसों तो भी, माया तो भी, सोने चांदी हीरे मोतियां तो भी उपर नाम है। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार, हर का नाम मन आधार। संतां दी सतसंगत करके जिन्हें हरि दे नाम दा आसरा मन च फड़िया, ओ संसार समुंदर तो तर गया। चरण कमल गुरदेव प्यारे, पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ। हरी दी प्रीति विच प्यार करने वाले जो संत ने, वह प्यारे गुरदेवां दे चरण कमलां नूं पूजदे ने हमेशा। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, जा कै मस्तक लिखिया भाग, कहो नानक ताका फिर सुहाग। सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने बई, जिन्हां दे मत्थे ते चंगे भागां दे लेख लिखे हुंदे ने, चंगे पिछले भी कोई कर्म हुंदे ताहीं लेख बणदे, फिर उन्हां भागां वालियां ते कृपा हुंदी आ, उहदा सुहाग अचल हो जांदा।
सदा वास्ते पति परमेश्वर च लीन हो जाता। आसा महला पंजवा। हुण उत्तम जग्यासु रूपी सखी अपनी व्यवस्था सुनाउंदी है। उत्तम जग्यासु, मध्यम जग्यासु, कनिष्ठ जग्यासु तीन प्रकार के होंगे ने। पामर तो फिर होंगे ही नास्तक है। सो उत्तम जिहड़े ने महापुरख जग्यासु जिन्हां एक बार कह दिए उत्थे बह के वाहिगुरु वाहिगुरु कर, उन्हें दूजी गल नहीं करनी, बस वह होंगे उत्तम। जे किसी नूं कही उत्थे बह के वाहिगुरु वाहिगुरु कर, कहने भी मन नहीं टिकता, ए नहीं हुंदा, 200 गल्लां बनाउंदा, मसां बिठाई दा। तीजा जिहड़ा हुंदा कनिष्ठ, कहिंदे उत्थे बह के वाहिगुरु वाहिगुरु कर, कहना कोई नहीं फिर देखांगे, कर भी लवांगे, फिर भी कर कुर लैंदा माड़ा मा। चौथा तां कहिंदा वाहिगुरु कहां किहड़ा कोई मिलना, वह तो उहीं दौड़ जांदा। इत्थे उत्तम जग्यासु की गल करदे जिहड़ा बिल्कुल ऐन आग्ञाकारी है। मीठी आग्ञा पिरकी लागी, सौंकन करके कंत त्यागी। जिस वेले पति परमेश्वर की आग्ञा मननी मिठी लगी, तो पति परमात्मा ने मेरे घर की जिहड़ी सौंकन सी, कि कबुद्धी, वो कबुद्धी त्यागी, मेरी कबुद्धी दूर कर दिती है। मैनू पुठियां पट्टियां अंदर अंदर पढ़ाउंदी रहिंदी सी, जदों पाठ करन लगना जद ही अंदरों कोई आवाज आउणी, इहदा की फायदा, रब ने किहड़ा मिलना, पहले आप सवाद लै लईए दुनिया के। ज्यों अंदरों कमत्त ने मैनू प्रेरना शुरू करना, तो शुक्र है रब का, एक मत्ती मेरी दूर हुई। प्रिया सुहागन सी गार करी, मन मेरे की तप्त हरी। पति ने मैनू जप तप रूपी शिंगार दे सहत करके सुहागन बनाता, अते मेरे मन की सारी सड़न जिहड़ी तपश दूर कर दिती। भलो पयो प्रिया कहिया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। भलो भयो चंगा हो गया भाई, जिवें पति परमात्मा ने कहा होया वचन मान लिया, वाहिगुरु के हुक्म मनने करके इस घर का मैं अंदरों अचुत सुख प्राप्त कर लिया। अचुत सुख वह हुंदा जिहड़ा डिगे ना, खत्म ना होवे, कदे विश्राम दे के कहिंदे ने। आओ बंदी प्रिय खिजमतदार, ओह अविनाशी अगम अपार। मैं तो हुण बंदी बन गई, भाव दासी हो के प्री दी पति दी खिजमतदार सेवा करन वाली आ। तो अविनाशी परमात्मा आदम खौफ तो रहत अते अपार बेअंत गुणा वाला है मेरा। की सेवा करदे हो? ले पखा प्रिय चलों पाहे, भाग गए पंच दूत लावे। ले पखा, पख लैने रूपी पखा लैके पति नूं झल पाउंदी आ। जिहड़े पंज दूत काम क्रोध आदि लावे सी, लाइयां दे कम करन वाले लावे हुंदे ने, जिमीदार खेती बढ़दा वह जिन्हां नूं कम ते लिआउंदा मजदूरां नूं दातियां फड़ा के, वह लावे कहिंदे ने। कहिंदे ये काम क्रोध हुणी लावे हो के मैनूं हमेशा बढ़दे टुकदे रहिंदे सी। सो इस करके शुभ गुणा के कट्टण वाले वह भजी गए सारे, जदों मैं पति परमात्मा वल पख कर लिया अपना। ना मैं कुल ना सोभावंत, क्या जाना क्यों भामी कंत। ना तो मेरी कोई भाई उच्ची कुल सी, ना ही मैं कोई शोभा वाली सी, तो पता नहीं की गल हो गई, वो पति परमात्मा ने किवें मैं भामी तो भाव पा गई। कल भी जग्यासु का ही प्रश्न आया थी ब्रह्म ज्ञानी ने, तुसी किवें रब नूं चंगे लगे, की कीता? वह कहने कुछ नहीं चंगा, बस उहनूं ही पता की चंगा लग्या। मैं तो बथेरे कर्म करदा सी, पर उहनूं की चंगा लग्या मैं तो आप भी नहीं पुछया। उन्होंने भी मैनूं की मेरा किहड़ी चीज चंगी लागी थानूं। सो जिवें भगत फरीद जी संगल पा के गिट्टियां नूं पुठे लटके हुए सी खूह विच, एक बंदा जाली सी भेडा चारन वाला, कहने तुसी भगत जी इत्थे लटके हुए हो? कहने खुदा की प्राप्ति वास। कहने खुदा इदां मिल जांदा? कहने मिल जांदा। उहने उस वक्त वेड़ जे वट के सुके घा दे लत्तां नूं बन्ने, पुठा खूह च लट गया। हुण उह टुटणे ही सीगे, गुरु नानक देव जी तुरे जा रहे बालिया, भाई मरदाना अपने नाउ ते एक बंदा मरन लग्या, खूह च डिग पैणा उहने, चल उत्थे पहुंचीए। अंतर ध्यान होके एकदम प्रगट हो गए, कहने फट के गिट्टियां तो बाहर कढो इहनूं। वह कढ़न लगे, वह कहने भाई मैनू ना कढ़ो। कहने क्यों? कहने मैं रब नूं मिलना, मैं लटक रहा पुठा इसे करके। वह कहे तेनू किहने कहा पुठा होके लटके फिर रब मिलदा? कहने वह नाल दे परे खूह दे विच इक बंदा पुठा लटकया कई सालां तों। महाराज सच्चे पातशाह कहने हुण तां विश्वास नहीं, तां संगल पा के लटकया, तेनू विश्वास सी तूं घा पा के लटक गया। भाई मरदाना कहने रब तां आ गया मिल लै फिर। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहने ये नहीं पता भी मैं भा किदां गया, बस मैं तां कदे आप नहीं पुछया मैं चंगा किवें लग्या थोनू, मेरे च तां कोई गुण भी नहीं सीगा। महाराज कहने बस चंगा लग्या भाई, मैनूं लग्या सीधी गल। मोहे अनाथ गरीब निमानी, कंत फकर हम कीनी रानी। मैं मन बाणी शरीर करके अनाथनी गरीबनी निमाणी सी, पर पति ने बाहों फड़ के मैनू राणी तो भाव रानी हुंदा प्रकाशन कर दिता।
मेरी बुद्धि च इहा जिहा प्रकाश कर दिता कि वह वड्डा जो व्यापक प्रकाश सी समुंदर उहदे विच मेरी बूंद रूपी बुद्धि जाके मिलके उसे दा ही रूप हो गई है। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा। जो परमेश्वर प्रीतम इस लोक दा ते सज्जन है जो परलोक दा वह जिस वेले मेरे मुख लगा भाव सामने होया तां अचुत सुख दे सहत मेरा जिहड़ा सुहागा सी दा आनंद उह धनता योग हो गया। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुण दासा। और महाराज कथन करदे मेरी आसा पूर्ण हो गई धन सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्हां ने गुणा दे खजाने वाहिगुरु नाल मैनू मिलाप करवाता। आसा महला पंजवा माथै त्रिकुटी दृष्ट करूर बोलै कौड़ा जिहबा की फूड। सो इस प्रकार पहला राहो दियां पंक्तियां तो ये शब्द लईए। ऐसी स्त्री इक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। ये माया की गल करते ने। माथै त्रिकुटी दृष्ट करूर बोलै कौड़ा जिहबा की फूड। जिहदे मत्थे पर तिन्ना गुणा रूपी त्रिकुटी त्यौड़ी पई रही हमेशा गुस्से च ही रही है अते जिहदी दृष्टि बड़ी क्रूर ते करड़ी है। सो जो सब नूं दुखदायक ही बोलदी कौड़ा ही बोलदी है ते जिहबा दी फूड बड़ी गपौड़न है। सदा भुखी पिर जाने दूर जो हमेशा भुखी रहिंदी क्योंकि पति परमात्मा नूं दूर ही जानदी है। ऐसी स्त्री राम पाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। सारे जगत दे उपाई हुंदा पैदा करने वाला जो राम परमेश्वर है उहदी इक स्त्री माया अजिही है उन्हें सारे जग नूं लुट के खा लिया पर भाई मैनू सतगुरां ने उह तों हथ दे के बचाया विश्राम दे के फरमाउंदे ने। पाए ठगौली सब जग जो होया ब्रह्मा विष्ण महादेव मोहया। मोह रूपी ठग बूटी पा के जिन्हें सारे जगत नूं जोया तों भाव तकिया ऐसी तकनी तकिया कि दुनिया उहदे वल ही मोहित हो गई। सारा जो जगत है उहनूं हत कर दिता। होर की कहना जिन्हें वड्डियां वड्डियां नूं छड्डिया नहीं ब्रह्मा विष्णु महादेव महादेव शिवजी नूं लुभाए लिया कोई बचिया भी है सारिआं नूं अपने वल खिंच लिया ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। ऐसी सपनी ते उपर नहीं बलिया भगत कबीर जी का शब्द है। इस सपनी तो उत्ते होर कोई बली नहीं इन्हां दा वड्डिआं वड्डिआं ते अपना प्रभाव पा लिया। कहिंदे बचिया कौन गुरमुख नाम लगे से सोहिआ। गुरां द्वारे जो गुरमुख नाम दे जाप विच लागे ना वह उस तो बच के सोभनीक हो रहे ताइयों शिवजी 88,000 वरा समाधि ला के बैठे रहिंदे ने ते इहदा प्रभाव ही ना पवे साडे ते। वरत नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब धरना। वरतां वाले वरत रख के ते यम नेम वाले यम नेम नूं करके पुनः चरना दा प्राश्चित करन वाले प्राश्चित कर्म करन वाले प्राश्चित नूं करके सारे थक गए पर माया उन्हां तों वी दूर नहीं होई। तीर्थां दे किनारे रहण वालियां अते सब धरती पर भवे फिरन वालियां नूं वी माया ने चंगी तरह काबू किया होया। फिर बचिया कौन से उभरे जे सतगुर की सरना। माया तो उही बंदे बचे जिहड़े सच्चे सतगुर की शरण विच पै जांदे ने। सच्चा सतगुर सतयुग दे विच वी होया सो इस प्रकार उन्हां समें विच उही होए ने। उदों नारद मुनि उपदेशिया नारद मुनि ने उपदेश दिता रामचंद्र जी नूं वशिष्ठ मुनि ने उपदेश दिता। उदों सतगुरु उहो सी पर सच्चे सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज गुरमुख कल विच प्रगट होया मुखी गुरु कलयुग दे विच प्रगट होया। माया मोहे सबो जग बाधा होमै पचै मनमुख मूह राखा। मोह विच सारे जगत नूं माया ने बन्निया होया मनमुख जिहड़े मूर्ख हंगता ममता विच पची हो रहे ने पच रहे ने सड़ रहे ने। सो पाठ हैगा मूह राखा ममे नूं दलैंकड़े रारे नूं कन्ना खखे नूं कन्ना मूह राखा। मूह राखा की जिहड़ी जगह मूर्खाधा भी पाठ हुंदा मनमुख पुरश मूर्खताई का खाधा होया होमे विच पचै तो भाव खराब ही हो रहा। गुरु नानक बहां पकर हम राखा। धन गुरु साहब सच्चे पातशाह जिन्हां ने बुद्धि रूपी बांह तो फड़ के मैनू बचा लिया अंदरों बांह फड़ ली मेरी। कहिंदे इहदे वल ना जाई बच के रही है देखण नूं चंगी लगदी है जदों इहदे किते कीड़े चढ़ गया ने तैनूं ऐसे गेड़े खवाऊगी 84 लाख का गेड़ा मूहरे खड़ा कर दूगी बच के रही है तू। आसा महला पंजवा पंजवें पातशाह आसा राग फरमाउंदे महाराज। सर्ब दुख जब बिसरै स्वामी
ईहां ऊहां काम न प्राणी। जब स्वामी का नाम विसर जावे ना तो सारे दुख चिंबड़ जाते आ गए। परमेश्वर से भुलिया व्यापन सभे रोग, तो फिर प्राणी ईहां ऊहां लोक परलोक विच किसी काम जोगा नहीं। मनुखा देह नूं निष्फली गवा के चलिया जाता। जिस काम लई शरीर मिलिया वह तो कोई वरतदा ही नहीं, उस काम लई होर पुठे कामां लई सारे लोग लगे फिरदे ने। संत तृप्तासे हर हर त्याहे, संत जिहड़े हुंदे ने वाहिगुरू वाहिगुरू त्या के पदार्थां वलों तृप्त होए ने। त्याए दे धद्दे दे थले अद्धा जिया लग्या होया, इस करके पाठी दा इहनूं पाठ ताए कर जांदे ने। ताए नहीं त्याए। पन्ना 395 ते महाराज फरमाउंदे अंग चाहीदा इहनूं। पोथियां वाले पन्ना लिखदे ने सरूप होण करके गुरु साहबां दा प्रतख जोत होण करके अंग कहा जांदा। कर किरपा अपना नाए लाए, सर्ब सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ। जिन्हां संतां नूं वाहिगुरु ने किरपा करके अपने नाम च लगा लिया, उन्हां संतां ने निश्चा हो गया कि वाहिगुरू तेरी आग्या मनन विच ही सारे सुख प्राप्त होंदे ने। इह रहाओ दीआं तुकां ने रहाओ दा भाव विश्राम दे के फरमाउंदे ने। संग होवत कौ जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर। संग होवत कौ जानत दूर, अंग संग हुंदे अकाल पुरख नूं जिहड़े पुरश दूर जाणदे ने, वह बंदा रोज झूर झूर के मरदा है। वाहिगुरु अंग संग ही है, वह दिसण ना करके लगदा भी पता नहीं कित्थे किहड़ा हैगा, दिखदा नहीं, बस उहने एक खेड बनाई हुई। जिन्हां दिखण लग जांदा उहनां नूं कोले प्रतीत हुंदा। जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महा बिखिया मैं दिन रैन जाहे। जिस परमेश्वर ने सारा कुछ दिता होया उन्हूं तां कदे याद नहीं करदा। महा बिखिया हुंदी माया, ते मां माया दे विच ही बहुता कमाउण विच रात दिन लंघ जांदा। फिर सुरती बिरती भी, सुत्तियां भी, जागदियां भी, एक तक सूई उधर नूं ही रहिंदी है, जिवें कंपास हमेशा उत्तर दिशा नूं रहिंदी है। इहदी कंपास अंदरों बस उधर नूं ही रही। हाए माया, सुत्ते भी माया, जागदे माया। कहो नानक प्रभ सिमरहु एक, गत पाईऐ गुर पूरे टेक। महाराज कथन करदे ने एक प्रभु दा सिमरन करिया करो, पूरियां गुरां दे आसरे होण करके मुक्ति दी जीव नूं प्राप्ति हुंदी है। आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दोख सगल पर हरिया। वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपने करके, राम राम जपो, हरी गोबिंद, राम अल्लाह गॉड कुछ भी कहो, एको ही नौ नौ तो सारे उहदे वक्रे वक्रे आपो अपने हिसाब नाल रखे, पर पहुंचदे सब उत्थे ही ने। हरेक नाम जपण करके जिहदा प्यार हो जांदा परमेश्वर विच, कहिंदे नाम जपने करके मेरा मान तां सब शुभ गुणा नाल ही हरिया होया पिया। नाम नाल ही मन हरा भरा हुंदा। कलमल दोख सगल पर हरिया, नाम दे प्रताप नाल कलमल जिहड़े पाप अते दोख है, दोख किहड़े हुंदे काम क्रोध आदि, इन्हां सारिआं नूं दूर कीता नाम जपण करके। सोए दिवस भला मेरे पाई, हर गुण गाहे परम गत पाई रहाओ। कहिंदे भाई उही दिन सब तो चंगा जिदन आपां हरी दे गुणां नूं गा गा के कैवल मुक्ति प्राप्त कीती। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने। साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रह मन ते बैर। जिस दिन दे संतां दे चरण पूजना कीते ने, उस दिन तो मन विचों वैर आदिक सब उपद्रव मिट गए ने। जो वैरी उपद्रव करदे सी वह मन तो सारे मिट गए, पाप भुल गए ने। किसी नाल वैर नहीं मेरा हुण, ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैर आई। ब्रह्म पसार पसारो पीतर, सतगुर ते सोझी पाई, ना को बैरी ना है बेगाना। सगल संग हम को बने आई, मैं जो देखा सारे तां तू आप ही बैठा, हुण की नाल वैर करा। भाई कन्हैया जी कहने मैं हुण किनू पानी पियावा, किनू ना, मैनूं तां तुसीं देखदे हो सारिआं च। गुर पूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत साहब बस गते आया। पूरियां गुरां नाल मिलके मैं जन्म जन्म का पहला झगड़ा चुकाया, दूर किया। महाराज ये बार बार जमना मरना ऐ जूना च पैना, ये चो मैनू कढ़ो। काम क्रोध आदिक पंजां दूतां का सारा समदाओ जिहड़ा सी साडे अधीन हो आया। जिस मन वसिया हर का नाम, नानक तिसी उपर कुरबान। जिहदे मन विच नाम का वासा हो गया, अभ्यास करदे 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 एक टक करी जाओ जदों वसदा तां सकिंट भी नहीं लगदा, एकदम हिरदे च नाम वस जांदा। महाराज कथन करदे असीं उस तों बलिहार कुरबान जाइए। आसा महला पंजवा,
गाव लेह तू गाव नहारे जी पिंड के प्राण आधारे। ये गाउण वाले पुरशा तू गाउणे योग प्रभु दे गुणा नूं गा लै। जीव दे जिहड़े पिंड शरीर दे विच ना जो प्राण ने उन्हां प्राणा दा उह आधारे है, आसरा वाहिगुरु ही है। ये प्राण उहदे आसरे चलदे ने। जा की सेवा सर्ब सुख पावहि अवर काहू पहि बौड़ ना जावहि। जिहदी सेवा करके तू सारिआं सुखां नूं प्राप्त करेंगा तैनूं दसदी ये सुख लभदा फिरदा बौड़ फिर मुड़ के होर किसी पास अपनी मुराद पूरी करने वास्ते नहीं जावेगा। सदा आनंद आनंदी साहिब गुण निधान नित नित जापी है। वह आनंदी साहिब वाहिगुरु सदा ही आनंद स्वरूप है अते शुभ गुणा का खजाना है। उसनू रोज रोज जपना करिए। वह साहिब सदा ही आनंद करके आनंदी है। बलिहारे ते संत प्यारे जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहाओ। उस प्यारे संत तो मैं बलिहार बलिहार जावा जिन्हों महापुरखों की कृपा नाल मन विच प्रभु वसदा है। वसाउण नूं देर नहीं लाउंदे। बंदे का मन शुद्ध होना चाहिए। विश्राम दे के कहिंदे ने जा का दान निकूटै नाही भली भांत सब सहज समाही। जिस परमेश्वर का दिता है दान कदे निकुटै तो भाव मुकदा नहीं है। सो जिहड़ा वाहिगुरु जी नूं दे दिंदा उहनूं कदे मुकदा नहीं दान। सो नामदान करके ही सारे महात्मा भली प्रकार सहज सहज पद में समा जाते हैं। मानव की टेक बिरथी सब जान देवर को एक है भगवान जिसका दिया रहे अगाए बौर ना तृष्णा लागाए। महाराज तो इन्ना दिंदे ने मुकदा ही नहीं। बंदा जे दिंदा मुक जाता कहने भली प्रकार वह परमात्मा सहजे सारिआं दे विच समा रहा है। भाई जाके बख्श ना मेटै कोई मन वासाई है साचा सोई। जिहदी दित्ती हुई बख्शिश नूं कोई हटा ही नहीं सकदा। जदों किसे ते कृपा कर दिंदा है लोकी लख जतन कर लैण के इहदी असीं महिमा घटा दईए जां इहदे विचों प्रकाश हटा दईए। उस सच्चे नूं मन विच वसाउणा चाहीदा। सगल समगरी गृह जा कै पूरन प्रभ के सेवक दूख ना चूरन। जिस परमेश्वर दे घर विच सब समगरियां पूर्ण ने उस वाहिगुरु दे जो सेवक ने वो कदे दुखा में झूरते नहीं हन। ओट गहे निरभउ पद पाई है सास सास सो गुण निद गाई है। जिहदी ओट ग्रहण करन नाल निरभउ पद नूं प्राप्त हुंदा जीव वो गुण निद परमात्मा नूं अंदर सवास जांदिआं अंदर नूं वाहे बाहर नूं सवास आउंदिआं गाउणा करिए गुरु वाहिगुरु। बाहर नूं वाहे कह लो भावें अंदर नूं गुरु कह लो। सो इस प्रकार जिन्हें भी जिहड़ा नाम जपना है सास ग्रास जपो। दूर न होई कतहु जाइए नदर करे ता हर हर पाई है। कतहु जाइए कहते भावे किते भी चले जाओ दूर ना होई। ये ना समझा करो मैं हुण इत्थे आ गया इत्थे वाहिगुरु नहीं हैगे। भावे परलोक चले जाओ भावे पताल चले जाओ किते भी चले जाओ वाहिगुरु सातों कदे दूर नहीं। क्योंकि इस समुद्र दीआं मच्छियां जिवें हुंदियां समुद्र विच भावे वह हजारां मील भी चलिया जाण समुद्र किहड़ा पासे हो जांदा उहनां तों। आपां वाहिगुरु प्रकाश रूप दे विच हां। प्रकाश ही साडे अंदर है इस करके वह वाहिगुरु सदा ही हाजर नाजर हरेक थां दे उत्ते। गुरु साहिब जी की कृपा दृष्टि करन महाराज आप कृपा करन तां वाहिगुरु की प्राप्ति हुंदी। नदर करे तां हर हर पाई है। अरदास करे पूरे गुर पास नानक मंगै हर धन रास। मैं तां पूरियां गुरां पास बेनती करदा कि शरदा रूपी पूंजी करके हरी नाम धन मंगदा आप जी पासों। मेरी तो यही अरदास है जी। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सगल कौ हो आसूख। गुरां नाल मिलन दा जो महात्मा कथन करदे ने कि गुर पूरा पायो मेरे भाई। ये भाई जब मैं पूरे गुरु की प्राप्ति की तो मैनू की मिलिया। पंजवें पातशाह आसा राग च फरमाउंदे ने सब तो पहले मेरे शरीर का दुख मिट गया। देह दे आस तो मैं छुट गया। देह दे आस निवृत्त होने नाल मन नूं सब प्रकार का सुख प्राप्त हो गया। मैनू कर कृपा गुर दीनो नाओ बाले बाल ते सतगुरु कौ जाओ। जिस सतगुरां ने कृपा दृष्टि करके मैनू नामदान बख्शिश किया उन्हां सतगुरां तों मैं कुरबान जावा बलिहार जावा। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की सरणाई रहाओ। ये मेरे भाई मैं पूरियां गुरां नूं प्राप्त कर लिया। सतगुरां दे चरणां दी
शरण ग्रहण करन करके रोग सोग सारे दुख जिहड़े सी निवृत्त हो गए मेरे, विश्राम दे के फमाउंदे ने। ते ओह जिहड़े कथा सुनदे आ इंटरनेट ते घरां विच होर थावां रेडियो ते, ओह ये शब्द जिहड़े बेनती करदे ने वी लिख लो ते कंठ कर लिया करो, क्योंकि फिर पढ़ने चंगे नेत्रेम तो बाद पांच वारी दस वारी सौ वारी जिन्ना जी करे पढ़ लो। ये शब्द आसा महला पंजवां 395 अंक ते सौवां शब्द है, यह कंठ करके नितनेम तो बादियां तुरे फिरदे पढ़ी जाओ। ये बहुत बख्शिश महाराज ने भरी हुई है, विश्राम दे के फरमाउंदे ने। गुर के चरण हिरदे वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए। जदों तो गुरां दे चरण वाहिगुरु मंत्र मैं अपने हिरदे च वसाए है, उदों तो मन की इच्छा अनुसार मैं सारे ही फल प्राप्त कर ले है। अगन बुझे सब होई शांत, कर कृपा गुर की नींदात। गुरां ने कृपा करके यह जी दात देना की है नाम की, जिस करके तृष्णा रूपी अग बुझ गई, हर सब प्रकार नाल हुण शांत है, मन भी तन भी आसा पासा भी टिकाऊ बन गया, घर दे विच भी कृपा होगी महाराज की। निथावे कौ गुर दी नो थान, निमाने कौ गुर की नो मान। जिन्हां दा कोई थां ही नहीं सी उन्हां नूं थावें नूं गुरां ने प्रतख थां देता, घर देते सरूप रूपी थां देता, सचखंड थां देता, संगत विच थां देता, समाज विच भी थां दिंदे ने उन्हां नूं, कोई माण मरातबा दे दिंदे। जिन्हां नूं कोई माण नहीं सी दिंदा उन्हां निमाण्यां नूं गुरां ने माण बख्शिश कर दिता। बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बाणी रसना चाखे। जिन्हां पर गुरां ने कृपा कीती आ उन्हां दे शुभ अशुभ कर्मां रूप सारे बंधन कट के अपने दास करके रखिया, उही दास गुरां पास रह के अमृत रूप जो बाणी है उहदे स्वाद नूं रसना नाल चखदे ने। वड्डा भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। उह सेवक वड्डियां भागां करके गुरां दे चरणां नूं पूजदे ने, और सारिआं नूं त्याग छड्ड के उन्हां सेवकां ने जो प्रभु समर्थ वाहिगुरु की शरण ग्रहण करनी प्राप्त की है। गुर नानक जाको पया दयाला, सोजन होवा सदा निहाला। महाराज कथन करते ने जिस सिख उत्ते अपना गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब दयाल होए ने, वह पुरश हमेशा ही निहाला हो गया। हाला नाम दुखां दा ते ने नाम रहत दा, दुखा तो रह तो जीव हो गया। उसकी कृपा करती 396 अंक से फरमाते ने आसा महला पंजवा, पंजे पातशाह आसा राग फरमाते ने। सतगुर सच है दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग। यह शब्द की बहुत महानता, सो जिन्हां दे उत्ते जदों पुत्र की दात लैनी सी उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने शब्द उच्चारण किया। जदों कर्मों ने पिरथी चंद नूं कहा जे तुसीं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर दे तां साडे घर भी बेअंत पदार्थ आउंदे, हुण देखो साडे शरीक किवें हर तरह दा वधदे जा रहे ने। सो उन्हें कहा कोई गल नहीं, गुरता गद्दी समेत सब कुछ अपना ही है, इन्हां दे घर तां कोई साहबजादा होना ही नहीं। जदों इस गल दा दासी राही माता गंगा जी नूं पता लग्या, उन्होंने पंचम पातशाह जी कोल बेनती की, गरीब नवाज शरीक बोलियां मार दे, आप कृपा करके गुरता गद्दी दा मालक बख्शिश करो। सतगुरां ने वचन किया चिंता ना करो, भंडारिया का मालक ता सो असी हुई हां, पर यह मेरे पास गुरसिखां दी अमानत है, इहदी कुंजी संतां कोले है। साहिबां दा श्री मुख वाक है, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। अंतरीव गल यह सी कि पिरथीए ने कहा सी कि इन्हां दे औलाद नहीं होवेगी, सो महाराज ने यह गल विचारी भी जे पिरथीए दा वचन पूरा होया ना होया, लोगों ने कहना भी चौथे पातशाह की औलाद विच शक्ति नहीं। गल चौथे पातशाह जांदी जान के महाराज ने कहा चलो ठीक है, असीं भाणे च बैठे। जदों अकाल पुरखी का हुक्म होया कि छेवां सरूप तां इत्थे ही आउणा, तां महाराज ने सारा पलटा के देना लैणा सब आप ही करदे ने, बाबा बुढ़ा जी दे राही इह कौतक वरताता। फिर ब्रह्म ज्ञानी का कहा होया कोई मोड़ नहीं सकता, यह पिरथीए दे वचन नूं कट्टण वास्ते महाराज ने यह जिहा कौतक वरताया। गुरु नानक दे दीदार करन वाले पूर्ण संत बाबा बुढ़ा जी की सेवा करो, उन्होंने प्रसन्नता नाल साहबजादे का वर मिलेगा। सो माता जी रथ गड्डिया ते पालकियां समेत दास दासियां लैके मिठाइया के टोकरे रख राजसी ठाठवाड़ नाल बाबा बुढ़ा जी की बीड़ च पहुंचे। खड़के नाल जंगल के जानवरों डरदियां देख के बाबा जी ने वचन किया, रामदासपुर भाजर किन पाई,
1651 बिक्रमी संमत नूं सराप लैके वापस मुड़े। सो सराप नहीं हुंदा सुते ते बचन सराप लिख दिंदे ने, सुभाविक ही ब्रह्म ज्ञानी का बचन हुंदा उह सराप नहीं हुंदा, लिखण वाले ऐसा लिख दिंदे ने। दूजी वार पंचम पातशाह जी की आग्ञा नाल तीसरे दिन 21 असू नूं मुड़ सारी सेवा अपने हत्थीं करके चक्की पी के पंजां सिखां लई मिस्से प्रशादे आप तैयार कीते, दही मक्खण लस्सी गंढे लैके सीस ते रख के नंगे चरनी माता जी गए। इधरों हलवाओं के बाबा बुढ़ा जी नूं भुख ते प्यास लगी हुई सी, अगों हो के माता जी नूं बड़े सत्कार नाल मत्था टेकिया ते सिर तों भार लाया। ज्यों ज्यों छकदे हन एक एक ग्राही नाल एक एक वर देई जांदे ने। दूरों कहण लग पे सी बड़ी भुख लगी आ, लगदा साडी माता नूं फिक्र हो गया पुत भुखा लै के आई, आप टोकरा थले लहा लिया। इउं बेअंत वर लैके माता जी वापस आए सी, प्याज भन्निया गंढेल बाहर दूर डिगी, ऐ दुष्टां दे सिर कहिंदे उन्होंने ला ला के सिटणे। उदों फिर नेरी चली ते असमान आकाश च बदल आए, बिजली लिशकी, कहिंदे ऐ तलवार चलू माता उन्हां दी देखी तां सही तूं, इदां दुश्मनां ने भजना जिवें बदल उड़दे जांदे हवा दे नाल। सतगुरां ने बाबा जी का पहला बचन पूरा करन वास्ते अपनी रहायश गुरु की वडाली जा कीती। इत्थे ही 1652 संबत हाड़ वधी एक नूं छेवें पातशाह का अवतार होया, तो उस समय अकाल पुरख का धन्नवाद करदिआं सतगुरां ने यह शब्द उच्चारण किया, सतगुर साचा दीआ भेज। सचे सतगुरु गुरु रामदास साहब ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं भेज दिता, बहुता समा जिउण दा संजोग बनिया, क्योंकि एक पहले पातशाही तो बिना होर सब पातशाहियों नालों इन्होंने गुरियाई गद्दी बहुता चिर माणी है। 32 साल 10 महीने 12 दिन तक सतगुरु ने गुरता गद्दी ते विराजमान रहे ने। सतगुर साचा दीआ भेज। उदरा माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विगास। जद तो माता गंगा जी दे उदरा माहे आके उदर विच निवास कीता, उदों तो माता गंगा जी दे मन विच बहुत ही खेड़ा आ गया, चेहरे की खुशी का प्रगटावा होण लग पिया, खुश हो गए। जम्मिया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सम है लिखिया तुरका रहाओ। ए गोविंद का भगत पुत्र जम्मिया, सिखां नूं गोविंद की भगती कराउण वाला सपुत्र जम्मिया। गुरमुखां दे पुन्नां करके ते दुष्टां दे पापां करके अवतारां दा शरीर हुंदा, अवतारां दे अपने पाप पुन्न कोई नहीं हुंदे, इस करके गुरमुखां ते मनमुखां दे धुरों लेखां दे लिखे अनुसार गुरु हरगोबिंद साहिब जी सारे अट प्रगटे ने। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। दसी मासी हुंदा 10वें महीने वाहिगुरु दे हुक्म अनुसार बालक बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र दे ना होण दा जिहड़ा सोग सी ओह मिट गया ते वड्डा आनंद सुख आके प्राप्त किया तो भाव होया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहिब कै मन भावै। लड़के दे जन्मण दी खुशी विच सखी सहेलियां मिल के आनंद चा नाल गुरबाणी नूं गाउंदियां ने, आनंद साहब का पाठ पढ़दियां ने, जो गुरबाणी सच्चे साहिब अकाल पुरख दे मन नूं चंगी लगदी है। वधी वेल बहु पीड़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। सोड बंस रूपी वेल बहुत सारी वधी, गुरियाई गद्दी रूपी पीढ़ी चल पई। पहला सी चौथे पातशाह दे साहिबजादे, इस प्रकार तीन, फिर पंजवियां दे इको ही होए। कहने महाराज जी इस तरह चंगा लगता, कहने कोई नहीं वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, इन्हां दे पंज साहिबजादे होणगे, अगे एक बेटी होगी, फिर वो बीबी वीरो दे गांह फिर पंज पुत्र होए, इन्हां दे गांह फिर इसे प्रकार बाबा गुरदित्ता जी दे साहिबजादे होए दो, सतगुरु हर राय साहब महाराज धीरमल होने, बाबा अटल राय जी तो शरीर ही छड गए सीगे, इसे प्रकार सूरजमल अणी राय दी अगे चली कोल, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अगे उन्होंने चार साहबजादे थे, त्यों सारी चली। श्री गुरु हरगोबिंद साहब की जो मूर्ति है, कहने यह एक धर्म की शक्ति हरी ने बन के स्थित की है, धर्म की कला जो हरी है उसे दी मूर्ति है गुरु हरगोबिंद साहब की, व्यक्ति बन के स्थित की है। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पए अचिंत एक लिव लाया। सतगुरु धन गुरु रामदास साहब ने बाबा बुढ़ा जी पासों माता गंगा जी ने मन इच्छित फल दवाया, हुण चिंता तो रहत होकर एक परमात्मा विच लिव नूं लगाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहु माण, बुलाया बोलै गुर कै पाण। जिवें बच्चा अपने पिता दे उपर बहुत माण करदा, ओ मेरे पिता जी है, ओ बड़े माण नाल बोलदा, तिवें कहने मैं श्री गुरु रामदास साहिब दे उत्ते बहुत माण रखदा, गुरां दे भाणी अनुसार उन्हां दा बुलाया होए बोलदा। गुज्जी छन्नी नाही बात,
गुर नानक ठुठा के नी दात। यह गल कोई लुकी छिपी नहीं है। धन गुरु रामदास साहिब ने ठुठा प्रसन्न होके पुत्र की दात देना की है। हुण हैगा ब्रह्म ज्ञान रूपी पुत्र अंतरीवर्थ। दूजे भाव च कहिंदे ने जिज्ञासु महात्मा के विचार द्वारा गुरु महाराज कथन करते हैं। सो इस प्रकार सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह का यह जिहड़ा अंतरी भाव अर्थ है यह आपां हुण शाम की कथा दे सतगुरु महाराज बख्शिश करनगे श्रवण करांगे। जिस प्रकार महाराज ने कृपा की है सतगुरु आप ही कथा कराने वाले है सिर ते मेहर भरिया हथ रख के। सो इस प्रकार आपां सारियां पंक्तियां दे जिहड़े अर्थ ने वह बेसिक रूप दे विच श्रवण करदे आ तां इहदे तों अगे सारी कथा बनदी। फिर एक शब्द का व्याख्या भावें आपां कई बार तो असीं एक पंक्ति की व्याख्या ही दो दो घंटे हो जाती है पर व्याख्या वाले पासे इस करके नहीं चले क्योंकि कथा का रूप बहुत वड्डा बढ़ जाना। बाद विच व्याख्या हो सकती है पर हुण लड़ीवार कथा विच आपां बड़े आनंद दे नाल सो मूल रूप दे अर्थ श्रवण कर रहे हैं। सतगुरु कृपा करन यह इन्ना आनंद आएगा बाद विच जिन्हां ने सहज पाठ भी करना कथा सहज पाठ भी हो सकता बाद दे विच और संथ्या भी नाल नाल हो सकती है। बह के किते पढ़े तो अर्थां दा ज्ञान भी हो सकता पोथी नाल प्रकाश करके। जे किसी ने कथावाचक भी बनना हो भी बन सकता इहदे नाल क्यों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है पावन पवित्र उपदेश की। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे